हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, FCI ने 4103 पदों पर बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यदि मैं पद की बात करता हूं तो इसमें जूनियर इंजीनियर, JEE, AG थर्ड, स्टोनोग्राफर और टाइपिस्ट की बम्पर वैकेंसी हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो FCI का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उन्हीं के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। तो एवरेस्ट पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जिंको टेवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश अटलांटिक महासागर की सीमा से जुड़ा है? तो दोस्तों, पुर्तगाल यूरोपीय देश है जो कि अटलांटिक महासागर की सीमा से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए पाई चार्ट में चार विद्यार्थियों द्वारा वैध मतों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने स्कूल के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ा। डाले गए कुल वैध मतों की संख्या 720 थी। चार्ट का अवलोकन करें और इस पर आधारित प्रश्न को का उत्तर दें। तो क्वेश्चन ये है कि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया? तो कितने मतों से हराया था? 40 मतों से हराया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए कि भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें सम्मिलित किया गया है? तो भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कोड भाषा में शब्द, ये आपका कोड है और इस कोड को इस कोड में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इस कोड को क्या लिखा जाएगा? तो इस कोड को इस कोड में लिखा जाएगा। अगला है, तार्किक अनुक्रम में आंकड़े का विन्यास कहलाता है। तो तार्किक अनुक्रम में आंकड़े का विन्यास कहलाता है शॉर्टिंग। अगला क्वेश्चन, हॉफ वाइट को जाना जाता है। तो दोस्तों, हॉट वाइट को जाना जाता है निबल में। और ये आपका मैथ का क्वेश्चन था कि सर्वे में यह पाया गया कि 55% जॉगिंग के लिए जाते हैं और 50% योगा करते हैं और 42% एरोबिक करते हैं और 28% जॉगिंग एवं योगा करते हैं, 20% योगा एवं एरोबिक करते हैं, 12% जॉगिंग एवं एरोबिक तथा 10% सभी तीनों करते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक कम से कम एक के लिए लिया जाता है तो कौन सा प्रतिशत सटीक एक व्यायाम करता है? 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में मैक्रोज उत्पन्न करने के लिए भाषा प्रयुक्त होती है। तो MS Excel में मैक्रोज उत्पन्न करने के लिए भाषा प्रयुक्त होती है कौन सी भाषा है? विजुअल बेसिक। अगला है कि सूची वन मंदिर धरोहर स्थल की सूची सेकंड राज्य में सुमेलित करें एवं नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन कि जॉन ऑफिक में विट मोजर एवं एडवर्ड स्मोजर ने नोबेल पुरस्कार 2014 किस क्षेत्र में जीता? तो किस क्षेत्र में जीता था ये पूछा जा रहा है। तो ये जीता था शारीरिक विज्ञान या औषधि क्षेत्र में जीता था। इस क्वेश्चन का दो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वेजिकेट ऐसे वेसी को भी हाल ही में निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी? तो जो वेजिकेट और एस वेसी हैं इनको हाल ही में ट्यूनिशिया देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इयान ह्यूम को अभी हाल ही में इंडियन सुपर लीग के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया। यह जीत के समय पर निम्नलिखित किस टीम से संबंधित थे ये पूछा जा रहा है। तो किस टीम से संबंधित थे? तो ये केरला
ब्लास्टर एफसी टीम से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अभी हाल ही में अपना सीजीएस 12 कुंडा नामक प्रथम युद्ध पोत किस देश को निर्यात किया? तो किस देश को निर्यात किया? मॉरिशियम देश को निर्यात किया। अगला है कि एक कक्षा में 5 कतार हैं और 5 बच्चे ए बी सी डी एवं ई हैं, जो एक दूसरे के पीछे 5 पृथक कतारों में बैठे हैं। 15वां क्वेश्चन है कि ए सी के पीछे बैठा है परंतु बी के सामने है, सी ए के पीछे बैठा है, डी ई के सामने बैठा है, तो प्रथम कतार से अंतिम तक वे किस क्रम में बैठे हैं, ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा तीसरा आपका। अगला है क्वेश्चन कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वाईसी नियमों के अनुसार पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया कम से कम प्रत्येक वर्षों में कम जोखिम श्रेणी वाले ग्राहकों के लिए किया जाना है? 10। निर्देश। प्रश्न संख्या 17 से 21 तक निम्नलिखित सूचनाओं को सही से पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर दें। एक गांव की कुल जनसंख्या 5,000 है और पुरुष से महिलाओं का अनुपात 3:2 है। पुरुष जनसंख्या में वयस्क बच्चों का अनुपात 1:2 है। महिला जनसंख्या में वयस्क बच्चों का अनुपात 1:1 है और पुरुष वयस्क में 80% शिक्षित हैं, जबकि महिला वयस्क में 60% शिक्षित हैं और 60% वयस्क महिला जनसंख्या विवाहित एवं 20% महिलाओं की शादी गाँव के बाहर हुई है। क्वेश्चन आपका यह है कि गाँव में कुल कितने वयस्क अशिक्षित हैं? 600। अगला है, यदि स्कूल में कुल 2700 बच्चे पंजीकृत हैं तो स्कूल में कितने बच्चे पंजीकृत नहीं हैं? 10%। नेक्स्ट है, यदि 1000 व्यक्ति पुरुष विवाहित हैं तो उन व्यक्ति महिलाओं की संख्या बताएं जो उसी गांव में विवाहित नहीं है? 120। अगला है, जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं? 30%। अगला है, व्यक्ति पुरुष से व्यक्ति महिलाओं का अनुपात बताइए, 1:1। अगला है क्वेश्चन, देखते हैं। किसी सेल में आज की तारीख दर्ज करने के लिए आप क्या दबाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका पहला। अगला, कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में निम्न में से कौन से परिपथ का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से परिपथ का प्रयोग किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी INGRAS DVMS के लिए प्रच्छा भाषा है? क्यूएल, KUEL। अगला है, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क विश्व में ग्रामीण सभ्यता परियोजना का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत का प्रथम राज्य जिसने अपने सही जिलों की सभी ग्राम पंचायतों को इसमें इसके माध्यम से जोड़ा है? केरल। तो नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको विलुप्त संख्या ज्ञात करना है कि इसमें आपकी जो संख्या है यहाँ पे, जैसे कि 916 आया, यहाँ पे 49 आया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी संख्या आएगी वो संख्या आएगी 125। ये आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सीडी प्लेयर जिसकी कीमत 900 रुपये है, दो अनुक्रमिक छूट के पश्चात 729 में बेचा जाता है, यदि पहली छूट 10% थी तो दूसरी छूट कितनी थी? ये पूछा जा रहा, तो कितनी थी? 10%। अगला क्वेश्चन, दो वर्तीय मैदानों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:49 है, यदि बाद वाले वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो पहले की त्रिज्या क्या है? तो दोस्तों पहले की त्रिज्या होगी 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कार्ड के एक खेल में ए और बी के पास आर के धन का 4 गुना धन था, जबकि आर एवं बी मिलकर ए के धन से 3 गुना धन रखते थे, तो कुल रकम का कौन सा हिस्सा आर के पास खेल में था? 1/5 हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए एवं बी क्रमशः एक टंकी को 15 मिनट एवं 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 मिनट तत्पश्चात पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा? तो कुल समय लगेगा 14:40। अगला क्वेश्चन, सुशासन एक्सप्रेस जिसे अभी हाल ही में चलाया गया किन शहरों के मध्य चलेगा? तो ये चलेगा दोस्तों ग्वालियर एवं गोंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन अधिकरण एवं राज्य पर्यावरण प्रबंधन अधिकरण को स्थापित करने की अनुशंसा किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया था? सुब्रमण्यम पैनल ने। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत ने नेपाल को 69 मिलियन रुपए सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया, यह किसके लिए था? ये पूछ रहा है, यह किसके लिए था? दोस्तों ये था आयोडीन कमी कार्यक्रम। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज का, कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक रकम 15 वर्षों में अपने को दुगनी कर लेती है, यह अपनी रकम का 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? 45 वर्ष। अगला है मैथ का क्वेश्चन कि स्टील का एक यौगिक में लौह एवं कार्बन का अनुपात 3:4 है, यदि यौगिक में 120 किलोग्राम लौह डाला गया तो वही अनुपात 5:4 हो जाता है, यौगिक में लोहे की प्रारंभिक मात्रा क्या है? तो क्या है? 180 किलोग्राम। अगला है कि IMF के संदर्भ में SDR का तात्पर्य क्या है? विशेष आहरण अधिकार। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव पर भारतीय रिसर्च सेंटर का नाम है हिमाद्री। अगला है कि निम्न में से कौन सर्व डाटा तत्वों को निम्नतम से विशालतम क्रम में रखता है? तो कौन रखता है ये कहा जा रहा है, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। अगला है कि SQL में AS क्लास का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है रीनेम प्रचारण के लिए। अगला है कि CMM स्तर एक होते हैं, तो CMM स्तर एक होते हैं 0 KPSS। ये आपका मैथ का क्वेश्चन था कि 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे पर एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, वर्गाकार मैदान का न्यूनतम संभावित क्षेत्र बताएं जो चरने से रह गया है, 61.5 m². दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है कि अनिल, अभय एवं संजय एक कार्य के भाग को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, सभी ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया लेकिन अनिल 2 दिन कार्य करने के पश्चात चला गया एवं कार्य पूरा होने में 3 दिन पूर्व अभय चला गया, कितने दिन का कार्य बचा? कितने दिन का कार्य बचा ये पूछा जा रहा है, 7 दिन का कार्य बचा। अगला है कि पानी में हटाए जाने पर दाढ़ी बनाने वाले वृक्ष के बाल आपस में किस प्रकार चिपक जाते हैं? तो किस प्रकार आपस में चिपक जाते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अंग, लिटमस, ज्ञान। तो अंग लिटमस का होता है और ज्ञान जो होता है ये आपका परीक्षण के द्वारा ज्ञान होता है। अगला है ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस होती है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस होती है वो होती है जल वाष्प। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं प्रभावित होती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं प्रभावित होती है? दोस्तों वो है ताप्ती नदी। अगला है जब हम विश्व मानचित्र पर 15 डिग्री सेल्सियस यामोत्तर रेखा बनाते हैं एवं ग्रीनविच यामोत्तर रेखा 0 डिग्री से शुरू करके पूरब की ओर गणना करते हैं तो हम इस यामोत्तर रेखा का काल पाते हैं? आंसर होगा आपका ठीक वही जो ग्रीनविच का हो। अगला है MICR का तात्पर्य क्या है? तो MICR का तात्पर्य होगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगला है कंप्यूटर का क्वेश्चन, कोई फाइल जिसमें नए अभिलेखों को डालने एवं पुराने अभिलेखों को हटाने का कार्य उच्च दर पर होता है तो उसे कहते हैं, दोस्तों एक वोलाटाइल फाइल। अगला है कि संकल्पनात्मक रूप से केंद्रीय संसाधन एकक CPU की परिपथा को 2 प्रमुख उप एककों में उप विभाजित किया जा सकता है, निम्नांकित एककों में कौन सा एकक वांछित अंकगणितीय तथा तुलनात्मक प्रचालन करेगा? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ALU पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति घर से अपने कार्यालय की तरफ निकलता है, वह दक्षिण की तरफ चलता है, 300 मीटर की दूरी चलने के पश्चात वह पश्चिम की ओर तरफ मुड़कर 200 मीटर चलता है, फिर वह 100 मीटर उत्तर की तरफ एवं पुनः 100 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, पुनः वह उत्तर की तरफ मुड़कर 200 मीटर चलता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की दूरी क्या होगी ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा पहला 300 मीटर। देखिए अगले वीडियो में
ये रीजनिंग के और इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर जो संख्या आपकी आएगी 48। अगला है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रेणी में एक पद विलुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने श्रेणी को पूरा करता हो। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जो इस श्रेणी को पूरा करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आएगी संख्या 47। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें आपको विषम शब्द पहचाना है कि इसमें विषम शब्द कौन सा होगा, के एल एम, ये विषम हो जाएगा आपका। अगला है कि एक आयतीय मैदान की लंबाई एवं क्षेत्रफल के मध्य अनुपात क्रमशः 1:30 है, मैदान का परिमाप 150 मीटर है, उस आयतीय मैदान की लंबाई बताओ। तो उस आयतीय मैदान की जो लंबाई होगी वो होगी आपकी 45 मीटर। अगला है, 6 वर्ष पश्चात ए की वर्तमान आयु वी की आयु से 4 वर्ष ज्यादा है, ए एवं बी की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, तो वी की वर्तमान आयु क्या होगी, वी की वर्तमान आयु होगी 30 वर्ष। अगला है, एक व्यक्ति ने 20% प्रीमियम पर प्रति 100 रुपए वाले शेयर में 14,400 निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में कंपनी 5% लाभांश घोषित करती है तो उसे कितना रुपए लाभांश मिलता है, कितने रुपए लाभांश मिलता है, 600 रुपए लाभांश मिलता है। नेक्स्ट है कि एक जॉगर रेलवे ट्रैक के साथ साथ 9 किलोमीटर घंटे की चाल पर दौड़ रहा है एवं एक 120 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 45 किलोमीटर घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रही है, उसके इंजन से 240 मीटर आगे कितने समय में ट्रेन जॉगर से होकर गुजरेगी, 36 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 33 विद्यार्थी लड़के एवं लड़कियों को मिलाकर है, मासिक परीक्षा में कक्षा का औसत स्कोर 14 था, कक्षा में लड़कियों एवं लड़कों का औसत स्कोर क्रमशः 15 एवं 12 था, ये मानते हुए भी सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या थी, तो कक्षा में जो लड़कियों की संख्या होगी 22। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन था, फिलहाल मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, तो इसलिए मैं आंसर क्लियर कर रहा हूँ, आंसर हो जाएगा 21.25। ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन था 63, तो 63 का आंसर होगा आपका 1/10। अगला है, किस विटामिन को अल्फा टेकोफेरॉल कहते हैं, किस विटामिन को अल्फा टेकोफेरॉल कहते हैं, तो किस को कहते हैं, विटामिन ई को अल्फा टेकोफेरॉल कहते हैं। आप लोग इस टेबल को देखिए और क्वेश्चन आपके ये हैं, 65वां क्वेश्चन आपका मैथ का है, आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, और 67 का जो सॉरी 66 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, 83 डिग्री सेल्सियस, और 67 का आंसर होगा आपका चौथा, और 68 का जो आंसर होगा कि 2014 में प्रोग्रामरों की संख्या में प्रबंधन आईटीआई का अनुपात होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पहला, 12। और 2010 में पाई चार्ट में एक व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए सेक्टर कोण क्या है, ये पूछ रहा है, 4 से 1/2 डिग्री। और 70 क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2010 की तुलना में 2014 में सेक्टर कोण में कितने श्रेणी की संख्या में कमी हुई है, 5। अब देखिए आप लोग की प्रश्न संख्या 71 से 72, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दो कथन फर्स्ट एवं सेकंड दिया गया है, आपको यह निर्णय लेना है कि कथन में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग 71 का जो आंसर आपका होगा वो होगा डी, और ये 72 का आंसर क्या होगा, 72 का हो जाएगा आंसर आपका पहला यानी कि ए। ये 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, तो पास भी तैयार कर लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से, पास में कौन सी संख्या 6 के विपरीत तरफ है, चारों दृश्य नीचे दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, यक्षगण किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये पूछ रहा है कि यक्षगण किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला है कि प्रोटीन अलबत्ता रोग कहलाता है क्वाशियरकोर। अब देखिए इसमें बोला है कुछ शब्दों की कूट भाषा में लिखा गया है, लेकिन उसके लिए निश्चित कूट निश्चित नहीं है, आप अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हुए कूट में लिखे हुए संख्या को बताएं जो प्रश्न में दिए हुए शब्द को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा पहला।
और 77 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 77 क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो होगा दूसरा। और इसमें देखिए बोला है कि तार्किक रेखा चित्र के पश्चात चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प को चुनिए और रेखा चित्र को तार्किक दृष्टि से सही बताइए। तो आंसर मैं क्लियर करता हूँ, मानव, ये मानव हो गया, ये आपकी माता हो गई, कंप्यूटर है आपका अलग हो गया, ये कंप्यूटर हो गया आपका, तो आंसर हो जाएगा चौथा आपका। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है 79, तो आंसर मैं क्लियर करता हूँ दूसरा हो जाएगा। रीजनिंग का ये क्वेश्चन आपका, मैथ का नहीं है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है कि एक स्थान पर कुछ लड़कियां एवं भैंसे हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 15 एवं पैरों की कुल संख्या 46 है तो कितनी लड़कियां एवं कितनी भैंसे हैं, ये पूछ रहा है। तो आंसर आप हो जाएगा आपका 7 लड़कियां एवं 8 भैंसे। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन, आपके ये रीजनिंग के क्वेश्चन है 81 से 82 तक। आंसर मैं क्लियर करता हूँ, आंसर हो जाएगा 81 का पहला। और 82 के क्वेश्चन की बात करते हैं तो 82 का क्वेश्चन हो जाएगा चौथा। और 83 की बात करते हैं तो 83 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा, 160। अगला है कि यह अनुपात पूंजी, बैंक की पूंजी से इसका जोखिम, जो कि बैंक के जोखिम भारित साख सौदों के प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित होता है, तो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है स्कार। अगला है कि विश्व का सबसे कम आयु वाला जिसने अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर तैरकर विश्व कीर्तिमान बनाया, किसने बनाया, भक्ति शर्मा ने बनाया। अगला कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने, ये पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा 70। अगला कि कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड दी जाती है, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन, बैच फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है, तो बैच फाइल के लिए जो आपका एक्सटेंशन प्रयोग होता है वो होता है वेट। एक शिफ्ट पूंजी है, तो एक शिफ्ट पूंजी है अनुक्रमित अभिगमित स्मृति। अगला है, याओ गुआन 23 रिमोट सेंसिंग उपग्रह किसके द्वारा छोड़ा गया, तो किसके द्वारा छोड़ा गया, चीन के द्वारा छोड़ा गया। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 91 देख सकते हैं आपका, तो आंसर मैं क्लियर करता हूँ, आंसर हो जाएगा आपका पहला। अगला है, जब सूर्य एवं चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशी है तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है, बृहत ज्वार भाटा। अगला है कि सिग्मो किसका एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो सिग्मो ये कोंकणी हिंदू समुदाय का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है, तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच के मध्य हुआ था, किसके मध्य हुआ था, तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। अगला है कि परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञात है कि एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमती है, कोण का दुगना।